गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू राजन ब्लॉग्स। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे दोबारा से। कल के वीडियो में आप लोगों को मैंने दिखाया था ना, यहाँ से अल्मोड़ा दिख रहा था, आज अल्मोड़ा गायब हो गया है। जूम करके भी नहीं दिखाई दे रहा, देखो कुछ नहीं दिख रहा। आज सुबह से ना फॉगी फॉगी वेदर है, धूप भी अभी आई है थोड़ी बहुत, और थोड़ी थोड़ी देर में चली जाती है, बादल आ जाते हैं। ठीक है, मौसम थोड़ा ठंडा ठंडा है, आज हवाएं चल रही थी सुबह से। यानवी जी क्या कर रहे हो? शूज़ साफ़ कर रही हैं अपने। और मैडम क्या हाल है? बढ़िया सब। तो गाइज़ ये हमारा रूम था, कल रात हम लोग इसमें थे, हमारे बैग्स रेडी हैं, ये वॉशरूम है, दिखाई देते हैं आपको, चलो कैसा रूम था ये था जी। ठीक है, तो हम यहाँ रुके थे कल। टीवी भी है, व्यू आता है इस विंडो से, व्यू सामने का अल्मोड़ा का व्यू था कल, और रात को काफ़ी अच्छा दिख रहा था, वो मैंने दिखाया था आपको। अभी क्या है, हम लोग सोच रहे हैं यहाँ से जाने की मुक्तेश्वर मंदिर दर्शन करने। मैं यहाँ पे अभी पिछले दिनों कई बार आया हूँ, जैसे तो पहले मैं कभी इस एरिया में आया ही नहीं था, मुक्तेश्वर दानाचुली इस तरफ मैं कभी आया नहीं था। अल्मोड़ा या जागेश्वर मैं गया था पहले, पर अब की बार जब मैं यहाँ पे आया तो यहाँ की ये जो सब लोकेशंस हैं ये मैंने बहुत अच्छे से देखी, आसपास की जगहें सारी, पर मुक्तेश्वर मंदिर जाने का मौका अभी तक नहीं मिला। आज हम लोगों के पास अभी सुबह टाइम है, उसके बाद दोपहर को कुछ काम है, मतलब वही के ज़मीन वमीन जो देख रहे हैं उसमें कुछ काम है, देखो शायद बात बने या ना बने। तो सुबह का जो टाइम है हम सोच रहे हैं मुक्तेश्वर मंदिर जाएं, दर्शन करें और आप लोगों को कराएं, फिर आगे की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ से 9 किलोमीटर है, आधे घंटे का रास्ता है, कार हमारी खड़ी है वो सामने। ठीक है जी, चलो चलते हैं और करवाते हैं आप लोगों को दर्शन। बाकी सब कुछ बहुत बढ़िया है, चलें जी, सब बढ़िया है, फैक्ट ना। ये था हमारा, मतलब ये तो बाहर रेस्टोरेंट है और इसी के पीछे यहाँ पे रूम्स बने हुए हैं, इसका नाम है चिनार। इस तरफ नहीं लिखा है, उस तरफ मतलब इस साइड पे बोर्ड लगा हुआ है इनका, यहाँ पे लिखा हुआ है इनका जो होम स्टे का नाम है ना, होटल का। अच्छा, ये रोड ना सारे चारों तरफ इधर उधर जाते हैं, लो जी पकड़ो, ये जो रोड जा रहा है आगे, ये इस तरफ से अल्मोड़ा भी जा रहा है रास्ता, और अभी हम लोग जैसे मुड़ रहे हैं, यू टर्न ले रहे हैं, तो इस तरफ से भी रास्ते, ये चारों तरफ इधर उधर के सब जगह के रास्ते मिलते हैं। ये रोड सीधा भी ऊपर जा रहा है मुक्तेश्वर, और नीचे चला जाएगा ये रामगढ़ की तरफ, रामगढ़ भवाली की तरफ, और मुक्तेश्वर की तरफ से भी रास्ता आ जाएगा। शीशा थोड़ा क्लियर कर लें, यहाँ से 9 किलोमीटर दिखा रहा है जी मुक्तेश्वर। अभी ना आपको ये वाला रोड दिखाता हूँ एक बार, वैसे तो थोड़ा सा ख़राब है ये रास्ता, इधर के ना रोड के साइड के पहाड़ देखो आप, पत्थर देखो आप, कैसे दिखेंगे आपको ये मतलब बिल्कुल पहाड़ी है बिल्कुल, यहाँ मतलब लग ही नहीं सकता, मतलब देख के कि ये कभी भी बरसात में भी ये रास्ता कभी डिस्टर्ब होता होगा, जिस हिसाब से पहाड़ दिख रहे हैं, देखो पूरा पहाड़ काटा हुआ है, देखो और पता नहीं कितने सालों से ऐसे ही होगा ये, ऐसा भी नहीं लग रहा कि रिसेंटली काटा हुआ है। तो इसको थोड़ा कहते हैं लोग ऐसा कि लैंडस्लाइड जोन नहीं है यहाँ पे बिल्कुल भी ना, ये वाला जो एरिया है, ये भी एक कारण है कि हम यहाँ पे ज़मीन देख रहे हैं। और अब आए हैं तो सोचा आपको मुक्तेश्वर के दर्शन करा ले और हम भी कराएं। ये पूरा शीतला है जगह ना, शीतला कहते हैं इसको, और यहीं से मुक्तेश्वर जी का मंदिर आएगा, और वहाँ से फिर भटेलिया मार्केट होते हुए हम लोग दाढ़ी में पहुँच जाएंगे जहाँ हमें जाना है। ठीक है जी, तो यहाँ से देखो जी वैली का नज़ारा, सब ब्लर है आज, कुछ नहीं दिख रहा है, मौसम ऐसा ही हो रहा है। अभी ना ये पूरा ना 7 किलोमीटर का जंगल शुरू हो गया है यहाँ से, अभी यहाँ पे पीछे ना उसका चेक पोस्ट था, क्या नाम, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, उन्होंने हमारी गाड़ी की पूरी डिटेल ली, हमारा पूछा भाई कितने लोग हैं गाड़ी में, कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो। तो रास्ता तो मुक्तेश्वर जा रहा है पूरा, यहाँ से 8 किलोमीटर है, पर ये पूरा जंगल का रास्ता है। उन्होंने बोला कि हॉर्न बजाते हुए जाना जी, और रुकना नहीं है कहीं पर भी। ठीक है, तो पूरा जंगल का रोमांच भी देख लो, वैसे तो बाइकर आ रहे हैं भैया सामने से, बाइक वाले आए हैं, पर सेफ नहीं है, रुकना नहीं चाहिए, रात को तो अवॉइड ही करना इस रास्ते को। हम जहाँ थे वहाँ से थोड़ा पास था तो इसलिए हम आ गए,
रोड भी ख़राब है ये रास्ता। खैर दाढ़ी माँ से भी जाता है, पर हम लोग वापस उस रास्ते से जाएंगे। अभी भी गाइज पूरा जंगल का रास्ता चल रहा है, और ऊपर देखो ये रेड कलर के फ्लावर्स दिख रहे हैं, अब दिख रहे होंगे। ये बुरांस के फूल हैं, बुरांस का पेड़ है, नीचे भी पड़े हुए हैं। यहाँ पे पूरे जंगल में यहाँ पे सब जगह दिखाई दे रहे हैं, इधर इस तरफ भी हैं, नीचे की तरफ। अभी हमें क्या दिखाई दिए थे यानू, आप बताओ क्या दिखा था? हैं बड़े बड़े थे ना, तगड़े तगड़े लंगूर दिखाई दिए भाई सब। देखो यहाँ भी फूल पड़े हैं कितने बुरांस के, अभी तो ऐसे बिखरा हुआ है। और इतना महंगा मिलता है इसका जूस। इतने मोटे मोटे दो लंगूर हमें दिखाई दिए गाइज। अभी एक मिनट के लिए रुक के ना आप लोगों को मैं ये घर दिखा रहा हूँ। देखो पुराने टाइम का बना हुआ है, और देखो इस पे छत है टीन की, ठीक है, और उसके नीचे है लकड़ी की छत, अंदर से दिख रहा है ना। हाँ अब ये देखो अंग्रेज़ों के टाइम का बना होगा कम से कम, और 100 साल से ज़्यादा पुराना होगा ये। 100 साल तो अंग्रेज़ों ने राज ही किया, और गए हुए भी 70-75 साल हो गए हैं उनको। तो इस तरह के स्ट्रक्चर देखो कितने कामयाब रहते हैं यहाँ हिल्स में, और तो किसी ने बनाए नहीं ऐसे। हमने ना अभी नीचे की तरफ भी देखे थे, तो छत है टीन की। देखो अब ये देखो लोहे की छतें आजकल लोग डालते हैं, और डरते हैं कि पता नहीं कितने दिन चलेगी नहीं चलेगी। अब देखो इस पे जो है टीन की छत पड़ी हुई है, और 100 साल से ज़्यादा हो गए होंगे कम से कम इसको। तो देखो कितनी लाइफ है इसकी। अच्छा हाँ यहाँ भी है, देखो ये दिखाता हूँ आपको। और अगर इसको ठीक से मेंटेन किया जाए ना, तब तो और ज़्यादा चलती हैं ये। 2 किलोमीटर रह गया मुक्तेश्वर। ये यहाँ से देखो ज़रा, ये वाला स्ट्रक्चर भी पूरा टीन का है। इसको थोड़ा मेंटेन नहीं किया हुआ, पुराना पड़ा है, पता नहीं बंद है क्या है। तो देखो छत पूरी टीन की दिख रही है, पर ये पूरी थोड़ी जंग खाई हुई है। पर अगर इसको ठीक से टाइम से रिपेयर किया जाए तो काफ़ी अच्छा चलता है ये सब भी। अब यहाँ पे भी आगे टीन का ही है, और ये थोड़ा नया स्ट्रक्चर लग रहा है, या इसको मेंटेन किया हुआ है, पर दीवारें वैसी हैं पूरी पत्थर की। और आज ना वेदर पूरा ऐसा है, देखो फॉगी, कुछ क्लियर दिख नहीं रहा है। हम सोच रहे थे आज नीचे का पूरा व्यू दिखाई देगा ऊपर से, पर आज ऊपर का ही कुछ नहीं दिख रहा है। चलो जी अब कुछ आ गया है यहाँ पे ना, देखो सब ये पुराने स्ट्रक्चर बने हुए हैं। और अगर कोई लोग हैं यहाँ से मुक्तेश्वर से या उत्तराखंड से, तो वो लोग मुझे बताना यार देख के ये सब जगह, कि ये ज़रूर ही अंग्रेज़ों के टाइम की बनाई हुई है कि नहीं है। मुझे करेक्ट करना अगर मैं गलत हूँ तो। ये सारे जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो पुराने, तो किस टाइप का वो कंस्ट्रक्शन उस टाइम पे करते थे जो अभी तक भी चल रहा है। 100-100 साल की लाइफ हो रही है बताओ। और वेदर देखो आज कैसा है। और ये यहाँ पे क्या है जी, प्रयोगात्मक गो समूह। अच्छा गाय पे रिसर्च हो रही है जी यहाँ पे, एक्सपेरिमेंटल कैटल हर्ड। पेड़ काट रखे हैं यहाँ पे कुछ फ्रंट फेसिंग। खूबसूरत है नज़ारा, बाहर उतर के मैं दिखा नहीं सकता, हमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर ने मना किया था उतरने के लिए, तो हम यहाँ नहीं उतरेंगे, आगे जाके उतरेंगे। ये देखो जी लंगूर भाई सब बैठे हैं, और देखो क्या तगड़े हैं, वनस्पति खा रहे हैं कुछ वनस्पति। भाई सब पूरा तगड़ा लंगूर है वो, तीन। वो भी रहे 3-4। ओ ये देखो भाग गए। यहाँ लंगूर काफ़ी दिखाई दिए हमें, एक यहाँ भी है, इस तरफ भी है, उधर भी है, अभी कुछ बेर का पेड़ है शायद ये जो खा रहे हैं। देख रहे हो, देखो भाई साहब कितना तगड़ा है, वो सारे हैं वहाँ नीचे, वो नीचे भी है। देखो जी क्लोजअप, देखो जी लंगूर का। इस रास्ते से हम लोग आए हैं अभी, और ये पीछे चेक पोस्ट बना हुआ है देखो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, ये लिखा है ना देखो शीतला। यहाँ से पूरा जंगल का रास्ता था, और अब हम लोग आ गए हैं मेन रोड पे जो जा रहा है मुक्तेश्वर यहाँ से 1 किलोमीटर। और ये पीछे से आ रहा है भटेलिया से होते हुए, दाढ़ी माँ से होते हुए, नैनीताल से जो रास्ता मेन आता है मुक्तेश्वर का, वो ये रोड है अब। ठीक है जी चलो बस पहुँच गए अब तो। कुमाऊनी थाली मिल रही है 399 रुपये की। होम स्टे भी हैं यहाँ पे काफ़ी, शिवा होम स्टे रेस्टोरेंट, श्री हरी रिजॉर्ट, रॉयल स्वीट्स इन, तो स्टे ऑप्शन भी यहाँ पे काफ़ी मिल जाएंगे। मौसम भाई साहब गजब है, ठंडा मौसम हो रहा है आज, धूप नहीं निकली यहाँ पे। ये जा रहा है जी मंदिर का रास्ता, ये जो दिख रहा है दरवाज़ा बना हुआ है ना, यहाँ से जाएंगे।
महादेव जी के मंदिर, बोलो हर हर महादेव। ये गाड़ी की पार्किंग, चलो। यहाँ से हमने लिया है प्रसाद मंदिर में चढ़ाने के लिए। ये रहा प्रसाद जी, 100 रुपये का दिया है। इसमें बेलपत्र भी हैं, पहाड़ी बेलपत्र होता है। और यहाँ से रास्ता मंदिर के लिए शुरू होता है। यहाँ पे इस तरफ ये सब शॉप्स हैं। मौसम आप लोग देख लो, पूरा ठंडा हो रहा है। चलो जी, हर हर महादेव, जय करो। चलो, खाने पीने के सब यहाँ पे शॉप्स हैं, खाली है अभी। एक तो ना वीकेंड नहीं है, और दूसरा अभी टूरिस्ट भी नहीं है। हाँ जी यानू जी, मज़ा आ रहा है? आ रहा है, अच्छा लगा आके यहाँ पे? हमने सोचा आए हुए हैं तो चलो दिखाई देते हैं आपको। मुक्तेश्वर जी गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है जी मुक्तेश्वर का। यहाँ पे ये वाला रास्ता नीचे जाता है, चौली की जाली एक जगह है, यहाँ पे शायद 500 मीटर का डिस्टेंस है। थोड़ा सा चढ़ना है, ऊपर मंदिर आ जाएगा फिर। ये मुख्य मंदिर है जो कहा जाता है कि पांडवों ने बनाया था लगभग 5300 साल पहले अपने अज्ञातवास के टाइम पे, जो कि 12 साल का था लगभग उस टाइम पे बनाया था मुक्तेश्वर महादेव जी का मंदिर। और यहाँ से पूरा वैली का व्यू है नीचे का। ये वो पूरा एरिया है दड़ीमा, जहाँ पे हम लोग ज़मीन देख रहे हैं जो यहाँ से दिखाई दे रहा है। वेदर आज क्लियर नहीं है तो इसलिए ऐसा दिख रहा है। पूरी वैली दिखाई दे रही है यहाँ से नीचे, और उस तरफ है जो ज़मीन हम लोग देख रहे हैं। मंदिर में जाके रिकॉर्डिंग तो पूरी की मैंने, सब कुछ बताया मंदिर के बारे में, पर माइक ही ऑन करना भूल गया। तो खैर आप लोगों ने सुन लिया होगा, मैंने सब कुछ वॉइस ओवर में डाल दिया। अब हम यहाँ से जा रहे हैं नीचे, चलना है पीछे की तरफ चौली की जाली है ना, वो भी देख आते हैं, पास में ही है। पैदल चलना है थोड़ा सा, बार बार तो आया नहीं जाता ना। अब चलते हैं, आज दिखा देते हैं आपको। ये रास्ता है जी, पैदल पैदल जा रहा है जो चौली की जाली की तरफ, वहाँ से आए हम लोग। और भाई साहब मौसम तो आज का क्या कहना है, ऐसा लग रहा है बारिश आ जाएगी। और भैया नमस्कार, बढ़िया, अभी देखते हैं आके। चल बड़े चल, ये हमारे साथ जा रहा है, आ जा। पहुँच गए जी हम लोग वो पत्थर में, वहाँ पे देखो जाली है, देख रहा है एक होल है उस पत्थर में। हाँ ऊपर से भी देखते हैं। बस इस जगह को ही कहा जाता है चौली की जाली। यहाँ से भी नज़ारा दिखता है भैया नीचे का। चट्टान के सिरे पर जाना सख्त मना है, बिल्कुल नहीं जाएंगे जी। मौसम देखो कुछ नहीं दिख रहा, काले बादल। यानू भी आज मस्त इंजॉय कर रही है खाली खाली में। ऐसे टाइम पे आओ यहाँ पे ना, सही टाइम पे आ गए हम लोग। नीचे धूप है पर ऊपर नहीं है। देखो जी यहाँ से मैं मंदिर से दिखा रहा था कि नीचे की सारी ज़मीन दिखाई दे रही है, और ख़ासकर ये दो कॉटेज, ये वाले ठीक है रेड वाले, इसके पास हम लोग ज़मीन देख रहे हैं अभी। इस जगह को कहते हैं दाड़ीम, दाड़ीमा।
तो यही सब सड़कें हैं जिन पे हम घूमते रहते हैं दिन भर। ये पूरा पूरा एरिया दिख रहा है यहाँ से, और नीचे से खैर मंदिर भी दिखाई देता है। ऊपर की तरफ मंदिर है, कहाँ गया दिखाते हैं आपको। इन पेड़ों के पीछे मुक्तेश्वर महादेव जी का मंदिर वहाँ है, वहाँ ऊपर हाइट पे, ठीक है वहाँ पे। तो मैं ये बता रहा था कि लगभग ये जो मंदिर है ये 5500 साल पुराना मंदिर है, पांडवों के टाइम का। पांडवों ने बनाया था अपने अज्ञातवास में, जो कि 12 साल के आसपास का उनका अज्ञातवास रहा। इसके ऊपर भी थोड़ा सा जाने की देखते हैं, कोशिश करते हैं यहीं तक जहाँ तक जा सकते हैं। चोटी पे तो खैर जाना नहीं चाहिए, पर थोड़ा सा जाके पैर ना स्लिप कर जाए मेरे। देखो कहाँ आ गया मैं। हाँ जी गाइज, क्या हाल है? ओ भाई साहब डर है, इधर देख रहे हो कहाँ चोटी पे खड़ा हूँ मैं। ओई 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 ओई, खतरे से खाली नहीं है भैया, ऊपर मत जाना। सबने नाम लिख रखे हैं अपने पत्थरों पे। ठीक है जी, देख लिया तो खूबसूरत है नज़ारा। थोड़ी धूप होती तो शायद हमें गर्मी लगती, धूप लग रही होती, पर ये मौसम बहुत अच्छा है। हाँ जी देख लिया, मज़ा आया, नज़ारे देख लिए। तो मैं ये बता रहा था कि कल मैंने जो वीडियो बनाया था ना, उस पर काफ़ी लोगों के कमेंट आए हैं कि भैया मैं उत्तराखंड से नहीं हूँ, नेटिव नहीं हूँ, मुझे पता नहीं यहाँ की संस्कृति का, या उत्तराखंड के लोगों ने यहाँ पर बहुत संघर्ष किया है, इस तरह कमेंट भी आए हैं। मेरा उस जो वीडियो का मकसद था ना, वो सिर्फ ये था, मैं भी मतलब प्यार से ही नॉर्मली मैंने वो वीडियो बनाई थी कि भाई अपने दिल की बातें कही थी, पर शायद लोग ऑफेंड हो गए इस वीडियो से। पर हमारे भी पूर्वज, मेरा भी जैसे सरनेम पुंडीर है, मैं राजन पुंडीर मेरा पूरा नाम है, वो भी कभी हरिद्वार से रहे, उसके बाद वो यूपी में डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर शामली का मैं रहने वाला हूँ, वहाँ आके सेटल हो गए थे। तो ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं पता ये सब चीज़ें, संघर्ष हमने भी किया है भैया, दिल्ली में हम पैदा नहीं हुए, हमने भी बहुत जीरो से सब चीज़ें वहाँ देखी हैं, बहुत मेहनत की है। एक छोटे से घर में हम लोग रहते थे, फिर धीरे 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 करके जैसे जैसे वहाँ डेवलपमेंट होती रही, हम लोग रहते रहे उस टाइम पे, तब जाके ये सब चीज़ें हमने भी देखी और यहाँ तक पहुँचे हैं। और पता है क्या, एक बात और है, मैं हमेशा उत्तराखंड के या किसी भी पहाड़ की जगह को, मैं तो वहाँ के टूरिज़्म को प्रमोट ही करता हूँ। कभी भी आप लोगों ने मेरी वीडियोज़ देखी होंगी प्रॉपर्टी के या इन घर बनाने के काम में, मैं अभी से वीडियो डालने लगा हूँ कुछ टाइम से, पर उससे पहले से ये रहा है कि मैं पहले से ही टूरिज्म को प्रमोट करता हूँ। सारे धाम मैंने केदारनाथ के, बद्रीनाथ या गंगोत्री यमुनोत्री, सभी धाम मैंने उत्तराखंड के चारों धाम मैंने किए हुए हैं, मैंने पंच केदार भी किए हुए हैं। तो मैं तो सब जगह लोगों को दिखाता हूँ, प्रमोट ही करता हूँ यार आपके टूरिज्म को। कभी मैं इस तरह की बातों में पड़ता नहीं हूँ, पर पहली बार दिल की बातें कही तो लोगों के खैर रिएक्शन आते ही हैं। चलो खैर कोई नहीं, जिसको जैसा समझ है वैसा करते हैं। जगह काफ़ी खूबसूरत है, ये भी इस बार भी मुक्तेश्वर मंदिर आया, लोगों को दिखाया मैंने। आ जाओ भाई, चल जा रहे हैं, आ रहा है वो। चलो जी, बोलो शंकर भगवान की जय। आ गए जी हम लोग दर्शन करके, गाड़ी पार्किंग से निकाल ली है, मज़ा आ गया खाली खाली में आके दर्शन करना, और अच्छे मौसम का भी फ़ायदा हमने आज उठा लिया। अब आपको दिखाएंगे बटेलिया मार्केट, और उसके बाद हम पहुंच जाएंगे नीचे दड़ीमा, और मार्केट के बाद कर देंगे वीडियो को क्लोज़। ठीक है, बाकी सब कुछ बहुत बढ़िया है, टूरिस्ट अभी कुछ कुछ आ रहे हैं वैसे। ये जो रोड है ना जिस पर हम चल रहे हैं अभी, ये है मेन रोड, हम जिससे आए थे वो शीतला से आने वाला रास्ता है मुक्तेश्वर की तरफ। ये रास्ता अच्छा है और पूरा रोड बना हुआ है, काफ़ी सारे होटल और रिजॉर्ट्स भी बने हुए हैं, और मौसम आप लोग देख ही रहे हो, पहाड़ों के मौसम का भाई साहब कोई भरोसा नहीं है, कभी भी बदल जाता है, कभी भी बदल जाता है। और हम लोग बस ये नीचे आने वाले हैं बटेलिया की तरफ। ये आ गया जी नीचे बटेलिया मार्केट पूरी, नीचे की तरफ रोड जो इस तरफ जा रहा है ये जा रहा है दाना चोली की तरफ, और हम जा रहे हैं दड़ीमा की तरफ। देखो दाना चोली 7 है, भवाली 33, काठगोदाम 63 है यहाँ से, और मुक्तेश्वर 7 किलोमीटर है। देखो ये पूरी मार्केट है, यहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स हैं, देख लो जी। डेली नीड्स का सामान भी सब मिलता है, वो शायद आगे की तरफ होगा, पीछे की तरफ मतलब दाना चोली की तरफ। होली का माहौल चल रहा है यहाँ पे ना, पूरा सबके माथे पे टीके दिख रहे हैं। बस जी आज के इस वीडियो के लिए इतना ही था,
मुक्तेश्वर महादेव जी के हमने दर्शन करा दिए आपको मंदिर के, ठीक है। अब हम जा रहे हैं अपना काम निपटाने, बात बनेगी तो ठीक है बता देंगे आपको किसी वीडियो में, फिर दोबारा मिलेंगे, ठीक है जी। मैडम जानू जी कैसा लगा? अच्छा लगा, मज़ा आ गया जी हमें, आज मौसम अच्छा था, धूप में हम परेशान नहीं हुए। आई होप आपको भी मज़ा आया होगा ज़रूर आज का ये वीडियो देखने में, 15-17 मिनट का जो भी वीडियो बना होगा देख लेना। कोई और कुछ बात कहनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अब हम जा रहे हैं नीचे, तब तक के लिए राम राम।